गुड इवनिंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय के सत्यापन को देखेंगे राइट यानी कि जो हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में पाइथागोरस जो थ्योरम का हमने पढ़ा था यानी पाइथागोरस प्रमेय जो हमने पढ़ा था आज की इस वीडियो में इसका सत्यापन देखेंगे क्या देखेंगे सत्यापन देखेंगे आइए इसको सिद्ध करके देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय किस प्रकार से सिद्ध किया जाएगा जैसे हमारे पास तीन भुजाओं की माप दी है ठीक है मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स दिया है एक भुजा हमारे पास तीन सेंटीमीटर की है एक भुजा हमारे पास चार सेंटीमीटर की है और एक भुजा हमारे पास पाँच सेंटीमीटर की है राइट अब हम इसको सत्यापित करेंगे राइट हमने आपको बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय जो है वो किस पे अप्लाई होता है बता दीजिए राइट एंगल राइट ट्राइंगल पे किस पे राइट ट्राइंगल पे अप्लाई होता है यानी समकोण त्रिभुज पे अप्लाई होता है ये हमने बताया था समकोण त्रिभुज यानी एक लम्बवत रेखा और एक उर्ध्वाधर रेखा जहाँ एक दूसरे से मिल जाते हैं यानी ये हो गया उर्ध्वाधर रेखा ठीक यानी हॉरिजेंटल लाइन और ये वाला हो गया लंबवत रेखा ये दोनों जहाँ एक दूसरे से मिलेंगे कहाँ मिलेंगे यहाँ तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा राइट और हमने आपको ये भी बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं कर्ण, क्या बोलते हैं कर्ण बोला जाता है और जो कर्ण होता है वो बड़ा होता है ग्रेटर होता है किससे ए बी से भी और बी सी से भी यानी आधार जो है इसको आधार कहा जाता है और इसको लंब कहा जाता है यानी ये लंबवत है तो लंब रेखा और ये ये आधार रेखा ठीक है तो आधार और लंब दोनों से बड़ा होता है कर्ण ये हमने बताया था और कर्ण कहाँ होता है नाइन्टी डिग्री के सामने होता है तो नाउख्यान टेल में क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस जो भुजाओं की जो माप दी है तीन सेंटीमीटर चार सेंटीमीटर और पाँच सेंटीमीटर में इसमें जो है कर्ण वाली भुजा कौन सी हो सकती है कर्ण यानी कि ए करड़ यानी कि किड़ वाली भुजा कौन है ए सी कन्यल में ए सी बराबर क्या होगा तीन सेंटीमीटर होगा कि चार सेंटीमीटर की पाँच सेंटीमीटर तो अभी हमने बताया जो कर्ण वाली भुजा होती है वो आधार से और लंब से बड़ी होती है तो तीन और चार से बड़ी कौन है पाँच कौन सी भुजा बड़ी है पाँच तो जो कर्ण वाली भुजा होगी वो कौन सी हो जाएगी पाँच सेंटीमीटर इतना समझ में आया तो आइए अब इसका हम क्या करेंगे सत्यापन करेंगे और इसको सिद्ध करेंगे किस प्रकार से आइए देखते हैं राइट right? तो सबसे पहले आप लोग भी अपने कापी में एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए क्या बनाना है आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है भुजाओं की माप हमारे पास तीन सेंटीमीटर है चार सेंटीमीटर है और पाँच सेंटीमीटर राइट हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया ठीक है ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया ठीक है ना अब हम देखते हैं ये अगर आपके मान लीजिए चार सेंटीमीटर नाम दे दीजिए ए A यहाँ नाम दे दीजिए बी यहाँ नाम दे दीजिए सी राइट ये चार सेंटीमीटर हो गया ये आपका बी सी कितना हो जाएगा तीन सेंटीमीटर ना और ए सी जो सबसे बड़ी भुजा है वो कितनी हो जाएगी पाँच सेंटीमीटर अब इसका सबसे पहले क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है जो कर्ण वाली भुजा है ना कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यही कहता है यानी जो ए सी है इसका वर्ग बी सी के वर्ग आ प्लस आधार के वर्ग यानी ए बी के वर्ग के बराबर होगा राइट यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहता है। इसी को सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज के बाहरी भुजा से इस त्रिभुज के भुजा के बाहरी वाला क्षेत्र से वर्ग बनाएंगे क्या बनाएंगे वर्ग बनाएंगे राइट और वर्ग क्या होता है एक चार भुजाओं से घिरी हुई घिरी हुई एक बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं एक दूसरे के क्या होती हैं बराबर होती हैं यही तो वर्ग होता है कि चार भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं आपस में एक बराबर होती हैं ये वाली भुजा ए भी अगर चार सेंटीमीटर है यहाँ से एक भुजा खींचेंगे तो वो भी कितने का हो जाएगा चार सेंटीमीटर का हो जाएगा यहाँ से एक भुजा खींचेंगे तो ये भी कितने का हो जाएगा चार सेंटीमीटर का और यहाँ से एक भुजा खींचेंगे तो ये भी कितने का हो जाएगा चार सेंटीमीटर का हो जाएगा राइट तो चार सेंटीमीटर का हो जाएगा और वर्ग है तो सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी बराबर होंगी तो अब इसमें एक एक सेंटीमीटर के कितने खाने बनेंगे चार सेंटीमीटर चार खाने बनेंगे एक दो तीन और चार बनेंगे तो ये तो चार बने हैं आपके कैसे परपेंडिकुलर लाइन है और चार हॉरिजेंटल लाइन भी बनेंगे तो एक यानी छ रेखा दो तीन चार देखिए एक दो तीन चार ऐसे चार खाना और एक दो तीन चार ऐसे चार खाना टोटल कितना हो गया गिन लीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और सोलह राइट यानी जो ये वाली भुजा है इसका जो वर्ग बनाने पर इसका जो क्षेत्रफल आया कितना आया है सोलह आया है राइट इसी प्रकार से अब हम लोग जो है इसका भी क्या बनाएंगे वर्ग बनाएंगे तो ये वाली भुजा कौन सी है बीसी है कितने सेंटीमीटर की है तीन सेंटीमीटर की है तो यहां से एक अगर रेखा खींचेंगे तो वह भी कितने सेंटीमीटर की होगी तीन यहां से एक रेखा खींचेंगे ये भी कितने सेंटीमीटर की होगी तीन और यहां वाली जो रेखा खींचेंगे वो भी कितने सेंटीमीटर की होगी तीन सेंटीमीटर की होगी राइट क्यों क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर अब इसका एरिया निकालना है हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो तीन सेंटीमीटर की ये भुजा है तो कितने खाने बनेंगे तीन एक दो और तीन राइट ये आपके बने हैं परपेंडिकुलर लाइन से और वर्ग में हॉरिजेंटल लाइन भी होता है तो इधर से भी तीन रहेगा एक दो और तीन खाना एक दो तीन खाना इधर से और एक दो तीन खाना इधर से टोटल कितना हो गया एक दो और तीन चार पाँच और छः सात आठ और नौ राइट तो ये आपका कौन सा ए बी कौन सा है आधार वाली है आधार है राइट आधार का हमने क्या बनाया था वर्ग तो वर्ग कितना आया इसका सोलह ठीक ना और बी सी ये BC वाली भुजा कौन सी है लंब लंब वाली भुजा है परपेंडिकुलर लाइन है इसका हमने वर्ग बनाया ठीक है तो इसका वर्ग हमारा कितना आया है टोटल नौ आया है कितना आया है नौ क्लियर है और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यही बोलता है तो लंब का वर्ग कितना आया है नौ और आधार का वर्ग कितना आया है सोलह दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया पचीस अगर हमने कर्ण का वर्ग किया पच्चीस आया तो हमारा ये सत्यापित हो जाएगा तो आइए हम लोग कर्ण का वर्ग भी निकाल कर देखते हैं यानी कर्ण पे भी एक वर्ग बनाएंगे राइट क्या बनाएंगे वर्ग बनाएंगे अब आप हमें बताएं जो कर्ण वाली भुजा है ए सी कितने सेंटीमीटर की है पाँच सेंटीमीटर की है तो यहाँ से भी हम एक पाँच सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे राइट right? तो ये आपका कितने सेंटीमीटर का रहेगा पाँच और इधर से भी खींचेंगे तो कितने सेंटीमीटर का रहेगा पाँच ये वाला रेखा भी कितने सेंटीमीटर का रहेगा पाँच क्यों रहेगा क्योंकि जो वर्ग होता है ना वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं ये त्रिभुज भूलिएगा नहीं ये त्रिभुज आपने ध्यान में याद रखना है माइंड में इसका पिक्चर बना के रखना है ना ए बी और सी राइट तो पाँच पाँच सेंटीमीटर का है तो कितने खाने बनेंगे पाँच एक खाने दो खाने तीन खाने चार और पाँच ये आपका परपेंडिकुलर लाइन से बना है ऊर्ध्वार रेखा से बना है और पाँच आपका क्षैतिज रेखा से भी बनेगा क्यों क्योंकि ऊर्ध्धर और क्षैतिज रेखा दोनों ही होते हैं वर्ग में तो पाँच बन गया अब इसको काउंट करिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस और पच्चीस करण का कर्ण वाली भुजा पर जब हमने वर्ग बनाया तो इसका वर्ग कितना आया है टोटल पच्चीस आया है तो यानी कि जो कर्ण वाली भूजा का वर्ग आया है वो भी कितना आया है पच्चीस आया है राइट तो पाइथागोरस प्रमेय क्या यही तो बोलता है कर्ण का वर्ग यानी ए सी का वर्ग ये वाली भुजा कर्ण है क्योंकि नब्बे डिग्री के सामने है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी बी सी का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी ए बी का वर्ग अब देख लीजिए यहाँ पे ये यह कितना गया पच्चीस ये कर्ण वाली भुजा का वर्ग कितना आ गया पच्चीस अच्छा लंब वाली भुजा का वर्ग कितना आया हमने निकाला यहाँ नौ आया है और आधार वाली भुजा का वर्ग यहाँ निकाला हमने कितना आया है सोलह आया है तो पच्चीस बराबर सोलह नौ कितना होता है सोलह बीस और पच्चीस तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड ये आपका सत्यापित हो गया है तो कहने का तात्पर्य यह है कि पाइथागोरस पर हमें यही बताता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है ओके